हेलो फ्रेंड्स, मथुरा भोग किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबका फेवरेट ब्रेकफास्ट उपमा। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारा उपमा कभी सूखा सूखा बन जाता है या फिर कभी ज़्यादा गीला हो जाता है। तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी मेथड बताएंगे परफेक्ट उपमा बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हमने लिया है मथुरा भोग सूजी 1 कप, थोड़ी मोटी प्याज 1, गाजर 1/4 बाउल, मटर 1/4 बाउल, फली दाना 3 टेबल स्पून, राई, नमक, उड़द दाल 1 टीस्पून, चना दाल 1 टीस्पून। सबसे पहले हम 1 कप सेट कर लेंगे। हमें इसी से ही सूजी मेज़र करनी है और इसी कप से पानी मेज़र करना है। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, सूजी हमें बिल्कुल बारीक वाली नहीं लेनी है, थोड़ी मोटी सूजी लेनी है। सबसे पहले हम सूजी को सेक लेंगे। इसके लिए एक पैन में हम 1 टेबल स्पून घी डालेंगे और 1 कप सूजी डालेंगे। इसे लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ध्यान रखें कि सूजी हमें ज़्यादा नहीं सेकनी है, लगभग 5 मिनट लो फ्लेम पर हमें इसे सेकना है। 5 मिनट बाद आप देखेंगे कलर हल्का सा चेंज हो चुका है और हल्की सी खुशबू आ रही है, मतलब सूजी सिक चुकी है। अब इसे एक प्लेट में निकाल कर अलग से रख देंगे। अब हमें इसका तड़का तैयार करना है। इसके लिए एक पैन में हम 1 टेबल स्पून घी डालेंगे और इसमें 3 टेबल स्पून फली दाना सेक लेंगे। इसे भी निकाल कर एक प्लेट में अलग से रख देंगे। अब इसी पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून राई। जब राई थोड़ी सी चटकने लगे, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून उड़द दाल, 1 टीस्पून चना दाल और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 1 प्याज बारीक लंबी कटी हुई, 1 हरी मिर्च बारीक काट कर, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके और 8 से 10 करी पत्ता। सभी चीज़ों को थोड़ा सा पका लेंगे। यहाँ ध्यान रहे, प्याज हमें ओवर कुक नहीं करना है। लगभग 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर इसे पकाना है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 बाउल गाजर बारीक कटी हुई, 1/4 बाउल उबले हुए मटर। इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें हमें 3 कप पानी डालना है। पानी डालने के लिए हम वही कप लेंगे जिससे हमने सूजी को मेज़र किया था, तभी हमारा उपमा परफेक्ट बनेगा। हाई फ्लेम पर पानी बॉईल होने देंगे। इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक और सूजी जो हमने सेक कर रखी थी। सूजी एक साथ ना डालें, इसे थोड़ी थोड़ी करके डालें और साथ में फली दाना भी डाल देंगे। इसे लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें 1/2 नींबू का रस डालेंगे और थोड़ी सी धनिया पत्ती बारीक काट कर डाल देंगे और ऊपर से 1 टीस्पून घी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट उपमा तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, आप भी इसे घर पर जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से अभी सब्सक्राइब करें। दिस रेसिपी इज प्रेजेंटेड बाय मथुरा भोग।